विकल्प मिलेंगे बहुत मार मारकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार मारकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियोस की अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने जीवन में जाने या ना अनजाने में कोई ना कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उस गलती से वह पछताते रहते हैं, वह पछतावा करते रहते कि वह गलती वह क्यों कर दिए। तो चलो यार दोस्तों, मैं आपको इसी दास्ता पे बताता हूँ कि क्या हमें कोई भी गलती करके पछताना चाहिए या हमें उसे छोड़कर कुछ बेहतर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में अनेक देशों में विज्ञान के क्षेत्र में करामत करने वाले कुछ योग्यतापूर्ण लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि नोबेल प्राइज तो सभी को मिलता ही है, लेकिन नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, नोबेल प्राइज को कब से दिया जाने लगा, आखिर उसकी शुरुआत का वजह क्या था, कैसे शुरुआत हुआ नोबेल प्राइज का, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान जगत के एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे, उनके पिता की एक फैक्ट्री थी जिनमें वे प्रयोग करके आविष्कार करते थे। उनमें से एक आविष्कार था डायनामाइट का, जिनमें उनके पिता और अल्फ्रेड नोबेल मिलके वह आविष्कार किए थे। डायनामाइट के आविष्कार के बाद बहुत सारे लोग उन्हें जानने लगे थे और इस आविष्कार के बाद उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। यह आविष्कार उन्होंने 1866 में किया था और यह आविष्कार से उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले थे। लेकिन डायनामाइट की खोज के बाद बहुत सारे लोग उन्हें कहने लगे थे कि यह विनाशकारी सामान का खोज है, यह डायनामाइट विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय डायनामाइट का यूज़ निगेटिव पर्पज़ पे फ्यूचर में होने लगा था और उसका प्रयोग लोगों को मारने काटने में प्रयोग किया जाने लगा एक असहनशीलतापूर्ण रूप से। इस बात से अल्फ्रेड नोबेल को भी बहुत बुरा लगने लगा वह आविष्कार करके। लेकिन उसके बाद एक समय की बात है जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविक नोबेल और बहुत सारे कर्मचारी उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो वहां उस फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उस विस्फोट में अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई और कई मजदूर की मौत हो गई थी। लेकिन जब वह घटना हुई तो अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर वाले को सारे इन्फॉर्मेशन थे, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से यह दे दिया गया था कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। तो अल्फ्रेड नोबेल एक अगले दिन जब न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे चाय पीने के दौरान, तो उस घटना के बारे में देखे तो वह उसे ये देख के आश्चर्य हुआ कि यह घटना में कुछ गलत दिया हुआ है, क्योंकि उनके बारे में लिख दिया गया कि अब अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहे। लेकिन उसके बारे में एक अजीब सी दास्ता में लिखा हुआ था कि द मर्चेंट ऑफ डेथ नो मोर, यानी यह बात अल्फ्रेड नोबेल के बारे में लिखा हुई थी कि मृत्यु के दूत अब नहीं रहे। तो यह बात देखकर अल्फ्रेड नोबेल को रहा नहीं गया, अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि क्या लोग मुझे इस रूप से फ्यूचर में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों लोगों को लगा कि अब तो ये नहीं रहे, अल्फ्रेड नोबेल तो नहीं रहे, तो उसके बारे में ऐसा लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अगर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो भी जाती तो उस समय से उनका नाम इसी रूप से जाना जाता। तो अल्फ्रेड नोबेल को लगा अगर हम यहाँ से डेथ करके जाएंगे, अगर हम यहाँ से जाएंगे इस धरती से, तो लोग मुझे इस रूप में जानेंगे, द मर्चेंट ऑफ नो मोर, मृत्यु का दूत नहीं रहा। तो यह बात सुनकर अल्फ्रेड नोबेल देखकर बहुत ज़्यादा ही असहनशीलतापूर्ण फील करने लगे और वह अनकंफर्टेबल फील करने लगे। तो उन्होंने उसी समय एक खुद से एक डिसीजन लिया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने खुद से एक डिसीजन लिया है, खुद से कमिटमेंट किया कि हम यहाँ से ऐसा कुछ करके जाएंगे कि लोग मुझे अच्छे रूप में जाने। क्योंकि दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एक डायनामाइट का खोज किया था, डायनामाइट निगेटिव पर्पज़ पर यूज होने लगा था, जिस वजह से लोग उसे न्यूज़पेपर में उसे ऐसा मृत्यु का दूत कहा था। तो डायनामाइट की खोज के बाद जब उनके बाद वह ने एक डिसीजन लिया, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ से ऐसा कुछ करके जाऊँगा कि लोग मुझे अच्छे पर्पस में याद करें, पॉजिटिव पर्पस में याद करें, लोग मुझे निगेटिव पर्पस में याद न करें।
तो उसके बाद उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे अपने जीवन में एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान से जितने भी उन्हें आविष्कार करके उन्हें पैसे मिले थे, डायनामाइट के खोज के बाद पैसे मिले थे, जितने भी पैसे मिले थे अपने जीवन में, जितने भी उसके पास धन थे, वह सारे अपने देश को डोनेट कर दिए। वह देश को डोनेट करने के बाद वह पैसे जब डोनेट कर दिए तो उन्होंने कहा कि सर इस पैसे का यूज अपने देश के लिए करें। तो वहाँ की सरकार ने इस पैसे से जो जो अल्फ्रेड नोबेल ने जमा किए थे, डोनेट किए थे, उसी पैसे से लोगों को पुरस्कार दिया जाने लगा, उसी पैसे से लोगों को पुरस्कार दिया जाने लगा विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में एक आक्रामक रूप से कुछ करते थे, बेहतर करते थे, कुछ अलग करते थे, तो उन्हें विज्ञान में मिलता था, उसी प्राइज का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया। उस क्योंकि दोस्तों यह अल्फ्रेड नोबेल के चैरिटी के द्वारा, डोनेट के द्वारा ही यह पुरस्कार की शुरुआत हुई, इसलिए अल्फ्रेड नोबेल के ही टाइटल नोबेल से ही नोबेल प्राइज का स्टार्टिंग हुआ, और इसी समय से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, इसलिए आप लोग अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज को जानते हैं दोस्तों। और हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने कुछ गलत करके, कुछ भी गलत सही करके खुद से रिग्रेट करने लगते हैं और फ्यूचर में कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अल्फ्रेड नोबेल की तरह एक डिसीजन लें और कुछ नया करें, तभी आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको बेहतर लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।